तो हमारा स्कूल क्यों नहीं है? हमें पुन्ना जाना पड़ता है 7 किलोमीटर दूर। रास्ते में तुम्हारे डाणी से एक बस आती है, वो भी टाइम पे नहीं आती। ऐसा जिद नहीं करा करते, किसे कुछ मांगना हो ना, कुछ कराना हो, लड़ाई कुछ नहीं मिला करता। आज करने की ताकत में मैं हूँ और मेरे से काम करा के लड़के थोड़ी कुछ मिला करे। तो सुना आपने स्कूल की एक छात्रा को और मंत्री देवेंद्र बबली को। दरअसल टोहाना एरिया के गांव ढानी सांचला में स्कूल की बच्चियां आमरण अनशन पर बैठ गई हैं अपने स्कूल को अपग्रेड करवाने के लिए। गांव वाले भी उन बच्चियों का साथ दे रहे हैं। उनकी मांग है कि उनके स्कूल को 10+2 तक अपग्रेड किया जाए। जब मंत्री देवेंद्र बबली को इस बाबत पता चला तो वो भी वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे और उनको समझाने लगे। तो आगे से बच्ची ने क्या बोला सुनिए जरा। ये सिर्फ 8 दिनों में ये स्कूल अपग्रेड हुआ ना, तो हमारा स्कूल में 95 बच्चे नए थे 10th में और पूरी स्टाफ पूरा है स्कूल में, स्कूल के कमरे पूरे है, तो हमारा स्कूल क्यों नहीं है? हमें पुन्ना जाना पड़ता है 7 किलोमीटर दूर। रास्ते में तुम्हारे डाणी से एक बस आती है, वो भी टाइम पे नहीं आती। 7 बजे स्कूल लगता है, 8:30 बस आती है। एक मिनट मेरी बात तो सुनो आप पूरी। ऐसा है सुनो, ये बिल्कुल अपनी जगह व्यक्ति सही है। व्यक्ति मेरे भी बेटे, तेरे तो बड़ी होगी तो कौन पास आउट होगी, मेरी छोरी का पास हो। ऐसा जिद नहीं करा करते, जिससे कुछ मांगना हो ना, कुछ कराना हो, जो लड़ा कुछ नहीं मिला करता। आज करने की ताकत में मैं हूँ और मेरे से काम करा के लड़के थोड़ी कुछ मिला करे। आज पूरे खुद आया हूँ चल के, मैंने कह दूर बैठ रहे 2 महीने और 4 महीने और बैठे रहो, कुछ फर्क पड़ा है? क्यों आया हूँ चल के, मेरा तकलीफ इसलिए आया हूँ तेरे बीच में खड़ा हूँ, पसीना रहता रखा तेरे को गांव में कोई मांग मांगने है, मैंने पता लगा भी छोड़िया तकलीफ में है, मेरे गांव तकलीफ में, मेरे लोग तकलीफ में, इसलिए बैठा हूँ तेरे बीच में आके। और तारे बीच का भाई बेटा हूँ। अरे सुनो, ये हर मंच के पीछे राजनीति ना करा करो, इसीलिए तो पीछे हाँ हर मंच कोई बन जाए उसके पीछे राजनीति शुरू कर दे। काम कराना सीखो, मैं पहले कहूँ एक मुट्ठी हो जाओ, ये बना रखा मैं 2.5 साल तो फिर करवाओगे ना। तो फिर मैं आपके बीच में आ गया, मैंने आपको आश्वासन दे दिया सरकार की तरफ से दे दिया, मैं सरकार में खुद मंत्री हूँ, आपको कहने लग रहा हूँ ठीक है। इसने एक उदाहरण दिया, मैं इसकी भी जांच कर लेता हूँ क्या कैसे किया था, क्यों किया था, ये 93 हो गया था या वहाँ स्ट्रेंथ थी वो पूरी करी थी या नहीं करी, सारे पेपर तेरा सामने खुलवा दूंगा। कमेटी को क्यों बुलाने लग रहा हूँ बेटे, इसीलिए बुलाने लग रहा हूँ, कोई जो भी आपने कमेटी 5, 7, 10, 11, 20, 21 की बना रखी है, आज एक दिन चंडीगढ़ मेरे लो रोटी खा लियो, इकट्ठे खा लेंगे कि बैठ के थोड़ा तेरा गले चाल पड़ूंगा, तेरा भाई बन के ना मंत्रालय है दूसरे मंत्री जी के पास, मेरे पता हो नहीं तो मैं खड़ा खड़ा कर दूंगा। मैं कुलीग हूँ उनका, मेरे से बड़े हैं, सीनियर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मिलना हुआ, शिक्षा मंत्री से मिलना हो मैं लेके चल लूँगा, मेरी बेटियों को समस्या है, मेरे लड़के के लोगों को समस्या है, अरे ये करके दो, इसकी बात बिल्कुल जायज है, इनको जाना पड़ा। मैंने कि मेरा को नहीं, जब हम छोटे थे जब हमारी बहन बेटियां तो इकट्ठे पड़े हैं, बहन भाई सारे साइकिल हम भी गए हैं भाई, इन्हें स्कूल में हम इकट्ठे पढ़ जाया करते, एक मिनट बड़ी थी एक मिनट छोटी थी, हम इकट्ठे पढ़े हैं भाई, इसे जो जिस माहौल में आज आप पढ़ने लग रही इसी माहौल में मैं बड़ा हुआ हूँ, पढ़ के ना कोई मैं जाके ना लंदन अमेरिका थोड़ी पढ़ के आया हूँ, इन्हीं गांव में बढ़िया बड़ा पढ़ाया हूँ, तो यहाँ की जो समस्या है वो मेरी समस्या है। और आज आपने मुझे जुम्मेदारी दे रहा कि दूसरे इंद्रिय मैंने झूठ भरे भी नहीं बोलना था, जो बात कहूँगा फिर कहूँगा सच्ची कहूँगा, एक टाइम के लिए हो सका आपको अच्छी ना लगे लेकिन वो आपके लिए गुणकारी होगी, आपके हित की होगी। और जो लड़ाई पब्लिक लड़ने लग रहा है, मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा हूँ, इस हरियाणा प्रदेश में कोई लड़ने लग रहा है, इस बात को भी सोच लिया, पहले भी आप लोगों ने वोट देके और लोग बनाए, आज बबली को भी बना रखे, ना तो झूठ बोलूंगा ना फरेब करूंगा ना अपने ठगूंगा ना चोरी करूंगा ना ठगी करूंगा, सेवा करने लग रही हूँ आज भी कभी करूँ हूँ। और सरकारी तंत्र तो तुमने दे दिया, जो सरकार की ताकत मेरे पास है वह 100% मेरे लोगों के लिए है। हमारे 10 की 10 क्लास में कितने बच्चे हैं, कितनी क्लास लगती है आपकी अपनी 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं हम हंसते ये 150 मिनिमम चीजें एडमिशन करा दोगे बेटा? देख लिया ये भी साहब खड़े हैं, नहीं पता, मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों को, 150 बच्चे करवा दोगे, कद करवा दोगे, बाल करवा दो,
हो गया एडमिशन, कल आप 150 का एडमिशन कराओ और परसों में चंडीगढ़ आ जाओ, ठीक है? ठीक हो गया, परसों ने जो तारीख कमेटी है वे आदमी मेरे पास चंडीगढ़ आ जाओ। देखो सुनो मेरी बात है, पूरे कह जाओगे बैठना तारा हक इस देश का संविधान ने दिया है, वो आपका राइट है, उससे कोई आपको नहीं रोक सकता। आप पूरा 15 दिन बैठे हो, 15 दिन और बैठो, 6 महीने बैठो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके इस देश के संविधान ने आपको हक दिया है अपनी मांग मांगने का। लेकिन आज सरकार में मैं जनप्रतिनिधि भी आपने बनाया हूँ और मंत्री भी आपने बनाया, क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। हालांकि 6 किलोमीटर का क्राइटेरिया होता है, अगर आसपास के दायरे में 6 किलोमीटर तक अगर कोई प्लस 12th का कोई स्कूल है तो स्कूल दोबारा सरकार नहीं देती। मैं मुख्यमंत्री पे बच्चे पूरे करने के बाद इसका स्पेशल अप्रूवल है, ठीक है? ये देखो आप नोरन की बात कर रहे हो, नोरन हर जगह लागू है ना, वही शिक्षा मंत्री थे, नोरन सभी जगह लागू है। ये हमारे स्कूल की तरह है, देखो 9th और 10th में 150 बच्चे की डिमांड थी इनकी भी, लेकिन 2017 में ये 70 छात्र थे 9th और 10th में, हमारे तो फिर भी 95 छात्र है। केवल छात्राएं देखो 70 बच्चे थे 9th और 10th में। एक मिनट मेरी बात तो सुनो, आप कह रहे हो ना, मेरी बात सुनो एक बार, ये सिर्फ 8 दिनों में ये स्कूल अपग्रेड हुआ ना। बच्चियां अभी भी आमरण अनशन पर बैठी हैं। उनकी मांग है कि जब तक उनके स्कूल को अपग्रेड नहीं किया जाएगा वो यूं ही बैठी रहेंगी और गांव वाले उनका साथ देते रहेंगे। बुढ़िया आप कितने दिनों से यहां धरने पे बैठे हो और बोकर ताल पे कितने दिन हो गए आपको बैठे हुए? आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि स्कूल दोबारा से टिकट किया जाए, क्योंकि हमें आने जाने में और पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है। हमारे यहाँ पास पास में कोई भी प्रश्न तो आज 11 दिन हो चुके हैं, आपके पास में कोई सरकार का नुमाइंदा अभी तक पहुंचा है? अभी तक कोई नहीं आया, केवल समर्थन वाले आए, लेकिन अभी तक सरकार में कोई व्यक्ति नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट दामसला।